subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव। ठीक, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, प्रीवियस जो वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन ने इकाई का अंक निकालना देखा था। ठीक है, अब इसी प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, मतलब किसी भी गुणनफल के अंत में या किसी भी फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैं सिंपल सी बात कहूँ कि किसी भी जैसे 12, 13, 14, 15 किन संख्याओं को गुणा करने पर इनके अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक, तो यदि अपन जीरोस की बात करें तो जीरो जो है किससे मिलकर प्राप्त होता है, या जीरो जो है किसके कॉम्बिनेशन से जो है आपको, किसके मल्टीप्लीकेशन से जो है आपको जीरो प्राप्त होगा। तो जीरो की जैसे कि अपन बात करें कि जीरो किस किस से मिलकर बना होता है, 5 × 2 कि 5 का यदि आप 2 में गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। मतलब डिपेंड करता है कि 5 और 2 के कितने पेयर हैं, जितने पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ऐसे सिंपल यदि मैं बात करूँ कि 5 × 2 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 5 × 2 कितना हो गया, 10। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं बोल देता 25 × 4 कि 25 × 4 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 25 की यदि अपन बात करें, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो 5 और 2 के यहाँ पर देखें तो कितने पेयर बन जाएंगे आपके, 2 पेयर। 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, मतलब कितने पेयर हो गए, 2 कंप्लीट 5 और 2 के पेयर हैं। तो यहाँ पर यदि अपन नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी आपको, 2 जीरो प्राप्त होंगी। ठीक, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई अंक और दिया है कि 25 और यहाँ पर × 8 कि 25 × 8 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो फिर से अपन कोई चीज़ बात करें कि 25 को आप तोड़ कर क्या लिख सकते हो, 5 × 5, और 8 को अपन तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर 5 और 2 के पेयर्स की बात करें कि 5 और 2 के कितने पेयर होंगे, 5 और 2 एक हो गया, 5 2 बार है और 2 3 बार। लेकिन पेयर्स की बात करें तो पेयर कितने बन पाएंगे 5 और 2 के, 2 पेयर बन पाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि यहाँ पर बात की जाए कि 25 × 8 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो 2 जीरो। 25 × 8 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 2 जीरोस होंगी। तो जीरोस निकालने का फंडा क्या होगा, आपको क्या निकालना है, 5 और 2 के पेयर निकालने हैं। जितने भी 5 और 2 के पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोस उस मल्टीप्लीकेशन के अंत में प्राप्त होंगी, उस गुणनखंड के गुणनफल के अंत में जो है उतने नंबर ऑफ शून्य प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो है इस पर किस प्रकार से बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि पहले, उससे पहले एक और चीज़ देख लें आप, कि 5 और 2 या किसी भी अंक को काउंट करना किस अंतराल में या इस फैक्टोरियल में यह अंक कितनी बार होगा। तो जैसे अपन यहाँ पर बात करें, मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कि 11 तक की आपकी ये संख्याएं लिखी, इन 11 तक संख्याओं में 2 कितनी बार आया होगा, 5 कितनी बार आया होगा। जितनी बार 2 और 5 आएंगे उतनी ही, पहले 15 तक देखिए, जितनी बार 2 और 5 प्राप्त होगा उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस प्राप्त होंगे। तो एक तरीका तो क्या होगा कि अपन किस प्रकार से काउंट करें, एक तो 2 मल्टीपल हो गया, 2 इसमें कितनी बार है, 1 बार, और 2 का मल्टीपल कौन सा है, 4, 4 में 2 कितनी बार होगा, 2 × 2, 4 का मतलब क्या होगा, 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार हो गया, 2, और फिर 2 का मल्टीपल क्या है, 6, 6 का मतलब क्या होगा, 2 × 3, तो इसमें 2 देखें 2 कितनी बार है, 1 बार। इसके बाद अगले की अपन बात करें तो अगला मल्टीपल क्या है आपका, 8, 8 में 2 कितनी बार होगा कि 2 × 2 × 2, 3 बार। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है आपका, 10, 10 में तो कितनी बार होगा, 10 का मतलब क्या होगा, 2 × 5, कितनी बार है आपका, 1 बार। तो इस प्रकार से अपन बात करें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 2 कितनी बार आया है आपका, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3
सात, सात और एक आठ। यदि यहां पर बात करें कि दो कितनी बार आया आपका, आठ बार आया है, उसी प्रकार से आप पांच को काउंट करोगे, पांच कितनी बार आएगा, आठ बार। अब जैसे मान लीजिए यही संख्या आपको 100 तक या 200 तक दी होती तो इस प्रकार से काउंट करना थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आपको कोई भी नंबर काउंट करना हो तो नंबर आप किस प्रकार से काउंट करेंगे, सबसे पहले आखिरी अंक देखेंगे कि आखिरी में यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है। जो भी नंबर काउंट करना है उससे डिवाइड करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर मैं दो की बात करूँ, दो अपन को आठ बार मिला था कि दो आप किस प्रकार से निकालोगे, तो पहले अपन 10 को किससे डिवाइड करें, दो से। केवल आपको भाग पर कोशिएंट लिखते हुए चलना है, दो से यदि अपन डिवाइड करें कितनी बार आ गया, पांच बार। फिर जो भी आपका आंसर प्राप्त हुआ है फिर उसको दो से डिवाइड करो, पांच को दो से डिवाइड करें, दो दूनी चार, ठीक, कितनी बार, दो बार। फिर आपका क्या आ गया, दो, दो से दो डिवाइड करें, एक बार। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि दो से छोटी वैल्यू प्राप्त ना हो। तो एक मतलब दो से छोटा आ गया, तो ये देख लीजिए आप नंबर ऑफ दो कितनी बार होगा, पांच, दो सात और एक आठ। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर तीन की बात करता कि तीन कितनी बार आया होगा, तीन कितनी बार इस मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो लास्ट नंबर आपको क्या दिया है, दस दिया है। किससे डिवाइड करेंगे आप, तीन देख रहे हैं, तीन से डिवाइड करेंगे, दस डिवाइड बाय तीन, तीन देख रहे हैं तो किससे डिवाइड करना है, तीन से डिवाइड करना है, दस डिवाइड बाय तीन, तीन से कितनी बार कट जाएगा, ये तीन बार कट गया, तीन तिरका नौ। शेष पद से मतलब नहीं, केवल क्या रखना है आपको, भाग पर कोशिएंट अकेला रखना है, ठीक है। तो तीन आ गया, फिर से तीन को आप डिवाइड करोगे, तीन डिवाइड बाय तीन कितना आ गया आपका, एक। तो इस प्रकार से बात करें कि तीन के मल्टीपल कितने होंगे आपके, चार। जिस भी संख्या का आपको मल्टीपल निकालना है उस संख्या से जो है अपन इसको डिवाइड करें, जिस भी संख्या से आपका, जिस भी संख्या का मल्टीपल आपको निकालना होगा उस संख्या से जो है अपन इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद निकाल सकते हैं कि कितने गुणनखंड होंगे उसके, कितने मल्टीपल होंगे उसके, या कितनी बार वो अंक आया होगा। जैसे कि अपन बात कर रहे थे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की, कि किसी भी गुणनफल के अंत में या किसी भी फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर अपन बात करें कि एक से लेकर मान लीजिए मैं दस तक की संख्याएं लिख रहा हूँ, कि एक इंटू दो इंटू तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस के अंत में इन संख्याओं के या इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो जीरोस का मतलब जैसा कि अभी अपन ने देखा था, जीरोस किससे मिलकर बनना है, पाँच और दो से। तो यहाँ पर आपको क्या काउंट करना है कि पाँच कितनी बार आया है और दो कितनी बार आया हो। तो पाँच और दो की बात करें तो फिर से मैंने अभी देखा है कि दस तक किससे डिवाइड करना है, दो निकालना है, तो दो से डिवाइड करें, दो से डिवाइड करें कितना आ गया, पाँच। फिर पाँच को दो से डिवाइड करें, दो दूनी चार, फिर दो को दो से डिवाइड करें, एक। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो दो कितनी बार है, आठ बार। पाँच की बात करें, पाँच कितनी बार आया होगा, दस को डिवाइड करना है पाँच से। जिस भी नंबर को आपको देखना है कि अंक कितनी बार है उसी से डिवाइड करना है। तो पाँच से डिवाइड करें, पाँच दूनी दस कितनी बार, दो बार। अब दो पाँच से डिवाइड होगा नहीं, मतलब पाँच कितनी बार आया है, दो बार। तो यहाँ पर यदि पाँच की बात करें तो पाँच जो है दो बार प्राप्त हुआ है, और दो जो है कितनी बार आया आपका, आठ बार। तो कितने पेयर बना सकते हैं अपन पाँच और दो के, पाँच दो बार है और आठ जो दो जो है आठ बार, तो पाँच और दो के कॉमन पेयर कितने बन सकते हैं, दो। तो इसी प्रकार से एक से लेकर दस तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, दो जीरो प्राप्त होंगे। और आगे तक की संख्याएं दी होंगी एक से लेकर जैसे मान लीजिए बीस तक दिया होता, तो इसी प्रकार से अपन आगे की तरफ देखें, ठीक है। तो एक एक करके आप इन क्वेश्चन को नोट भी करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, और अपन यहाँ पर क्वेश्चन से वो देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो कोई और क्वेश्चन आपको दिया है, इसके अंत में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच, और ये आपको दिया है तीस, थर्टी तक आपको दिया है, कि इसके अंत में जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। एक से लेकर तीस तक की संख्याओं को गुणा करना हुआ, या इसको आप क्या कह सकते हो, फैक्टोरियल तीस।
या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 30। फैक्टोरियल 30 का मतलब क्या होगा कि 30 से प्रारंभ करते हुए एक एक छोटी संख्या आपको इंटू करना है कहां तक, 1 तक। तो पहले अपन देखें कि जीरोस आपको निकालना है, तो जीरोस के लिए आपको करना क्या है कि 30 और सॉरी 2 और 5 के मल्टीपल निकालना है। 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, तो 30 की यदि अपन बात करें पहले देखें, देखो एक चीज और यदि देखें तो हर संख्या सम है, मतलब दो तो आ ही रहा होगा, हर एक संख्या के बाद दो आ रहा होगा, हर एक संख्या के बाद दो रिपीट हो रहा होगा, तो सीधी सी बात आपके पर क्या देख रहे हो कि 5 कितनी बार आया है, और जितनी बार 5 आया होगा उतने ही जो है पेयर संभव है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि 30 में 5 कितनी बार आएगा, 5 से काट दो 5 छक्के 30, 6 से काट दें अपन 1 बार, कितना आ गया आपका 7। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर अंत में आपको जो है कितने जीरो प्राप्त होंगे, 7 जीरो प्राप्त होंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं यदि आपको लगातार दी हैं, तो उन संख्याओं को नंबर ऑफ जीरोस, लास्ट की नंबर ऑफ जीरोस निकालने का एक और तरीका होता है, उससे भी जो है आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिया क्या होगा एक रेगुलर पैटर्न पर और अंत तक संख्याएं दी। ठीक है, जैसा कि उस पैटर्न को भी अपन देखते हैं कि ऐसी से एग्जाम्पल के तौर पर देखें 1 से लेकर 30 तक, तो जो भी संख्या होगी उसको आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करते हुए चलना है। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसी संख्या को 25 से, फिर 5 की पावर 3 125 से, फिर 5 की पावर 4 625 और इस प्रकार से आगे। डिवाइड आपको कब तक करना है, जब तक आपको भागफल प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 5 से 30, 25 से केवल भागफल लिखना है। अब 125 से 30 जो है कैंसिल होगा नहीं, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर यदि नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 6 + 1 कितना आ गया, 7। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से जो है अपन नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे इसी चीज के लिए यदि मैं देखूँ कि फैक्टोरियल एन लिख दिया मैंने, कि फैक्टोरियल एन के अंत में कितनी जीरो हूँ, तो करना क्या होगा आपको, n डिवाइड बाय पहले 5, फिर n डिवाइड बाय 5 की पावर 2, n डिवाइड बाय 5 की पावर 3, n डिवाइड बाय 5 की पावर 4 और इस प्रकार से आगे, और इसी प्रकार से कहां तक रहेगा, आगे तक जहां तक आपको भागफल प्राप्त हो रहा होगा वहां तक जो है अपन इसको लेकर चलें। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखें कि फैक्टोरियल 100 के अंत में, फैक्टोरियल 100 के अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करना होगा। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करना होगा। तो जैसे फैक्टोरियल 100 के अंत में अपन देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 100 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो फैक्टोरियल 100 की यदि बात करें तो 100 डिवाइड बाय 5, फिर क्या होगा आपका 100 डिवाइड बाय 25। अब 100 डिवाइड बाय कितना आना है, 125, लेकिन 100 जो है 125 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, केवल आपको कहां तक लिखना है, जहां तक आपको जो है भागफल प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, तो भागफल अपन को कहां तक, दूसरी स्टेप तक प्राप्त हुआ है, 5 से यदि इसको मैं काट दूं, 5 × 2 = 10 और ये कितना हो गया 0, 25 से यदि अपन इसको काट दें, 25 से कितनी बार 4, 20 + 4 = 24। इसी प्रकार से बात करें कि फैक्टोरियल 100 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 24। फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने प्राप्त होंगे, 24 जीरो प्राप्त होंगे, यदि आप 1 से लेकर 100 तक ही सभी संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक, ये सभी मल्टीपल्स के रूप में संख्याएं आपको दी। इसे एक और उदाहरण देखेंगे अपन इसी पर, फैक्टोरियल 250 दिया है, कि फैक्टोरियल 250 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 250 की यदि अपन बात करें तो किस प्रकार से आपको निकालना है, कि पहले 250 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 5 से, फिर 250 को किससे डिवाइड करना है, 25, फिर 250 को किससे डिवाइड करेंगे अपन, अगली संख्या 5 की पावर 3, 125। अब इसके बाद क्या आएगा, 625, लेकिन आपको संख्याएं कहां तक रखनी है, जहां तक आपको भागफल प्राप्त हो। ठीक है, तो 5 से यदि इसको मैं काट दूं, 5 से कितना हो गया 50, 25 से कितनी बार 10 बार, 125 से कितनी बार होगा 2, तो 50, 10, 60 और 2, 62,
तो इसी प्रकार से एक से लेकर 250 तक की संख्याओं को गुणा करना हुआ, या फैक्टोरियल 250 जिसको अपन कहेंगे, या फैक्टोरियल 250 के अंत में कितने जीरोस प्राप्त होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 62। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि फैक्टोरियल 1000 आपको दिया है, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 1000। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 1000 को आपको करना क्या है, 5 से डिवाइड करते हुए चलना है। कहां तक चलेंगे, जब तक कि आपको भागफल प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। तो 5 से यदि अपन इसको डिवाइड करते हैं कि 1000 डिवाइड बाय 5, 5 से कितना हो गया 200, फिर 1000 डिवाइड बाय कितना 25, फिर 1000 डिवाइड बाय कितना होगा 125, फिर इसके बाद 1000 डिवाइड बाय कितना होगा 625। अब इसके बाद 5 के बराबर 5 आएगा जो कि 31 25 के बराबर, फिर से वहां पर भागफल प्राप्त होगा, कहां तक मिल रहा है 625। तो 625 तक की जो है अपन संख्याएं लिखी, 5 से मैंने काट दिया कितना हो गया 200, 25 से काट दें कितना हो गया 40, 25 को 100, 125 से काट दें कितनी बार कट जाएगा 8, 625 से कितनी बार होगा 1। तो यदि अपन 1000 के अंत में बात करें, फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 200 प्लस 40 240, 48 और 49। तो फैक्टोरियल 1000 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 249, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे कि जो आपको रेगुलर नंबर से दिए होंगे, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल में कोई संख्या दी है उसके अंत में जीरोस निकालना हुआ। अब जैसे मान लीजिए बीच में से कोई संख्या दी होगी, तो उसके गुणनखंड में या उसके गुणनफल में आप नंबर ऑफ जीरोस किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोल दूँ कि 51 × 52 × 53 × और इस प्रकार से ये दिया है 200 तक, कि इसके अंत में कितनी जीरोस प्राप्त होंगे, ठीक। इसके यदि अपन अंत की बात करें कि इसके अंत में जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है, तो इसके अंत में आप किस प्रकार से, जैसे एक से आपको प्रारंभ करते हुए दिया है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो, यदि इसी प्रकार से 51 से दिया है तो उसको आप क्या निकालोगे, इसमें अपन अपने हिसाब से एक से लेकर 50 तक की संख्या बढ़ाओगे। अब ये क्या हो गया, एक से लेकर 200 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 200, और एक से लेकर 50 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 50। एक से लेकर 50 तक की संख्याओं को गुणा करना मतलब ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल 50 के बराबर। अब नंबर ऑफ जीरोस की बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस आप किस प्रकार से निकालोगे, तो फैक्टोरियल 200 में कितनी जीरो होंगी, 200 डिवाइड बाय 5 प्लस 200 डिवाइड बाय 25 प्लस 200 डिवाइड बाय 125, इसके बाद जो है कैंसिल होगा नहीं, तो यहीं तक रखना है। 5 से यदि इसको काट दें तो कितना हो गया 40, 25 से यदि इसको काट दें कितना हो गया 8, 125 से कितना होगा 1। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 200 में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 49। उसी प्रकार से यदि अपन 50 तक की बात करें तो 50 में नंबर ऑफ जीरोस क्या रहते, डिवाइड 10 प्लस 50 डिवाइड बाय 25 कितनी बार, 2 बार, तो 12 जीरो। और 49 में से अब ये क्या करते हैं अपन, 50 तक की जीरोस को आप क्या कर दो, यहां से हटा दो, तो शेष जीरो कहां से हो जाएंगे, 51 से लेकर 200 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त जीरो हो जाएगी। तो इसी प्रकार से 49 में से यदि मैं 12 माइनस कर दूं तो शेष कितना प्राप्त होगा मेरा, 37। तो 51 से लेकर 200 तक की संख्याओं को गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 37। ठीक, ये यदि संख्याएं आपको कहां से दी हैं, बीच से मान लीजिए कोई संख्या दी है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि 100 या 10 की पावर 2, क्या दिया है आपको, 100 की पावर 2 इंटू 1000 की पावर 5 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, 100 की पावर 2 इंटू 1000 की पावर 5 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो ठीक, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको फिर से वही चीज आती है कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या दिया है 2। और उसी प्रकार से अपन इसकी बात करें, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 और पूरे की पावर कितना है 5।
फिर से और आगे की तरफ यदि अपन इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया आपका 10 की पावर 4, 2 × 2। यहाँ पर अपन को पता है कि x की पावर यदि m और पूरे की पावर आपको n दिया होगा तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर m इंटू है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 की पावर 2, पूरे की पावर क्या दिया है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। और यहाँ पर यदि अपन बात करें कि 10 की पावर 3 × 5 कितना हो गया 15। अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया कि 10 की पावर 4 × 10 की पावर 15 के अंत में जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए यदि अपन फिर से बात करें कि जब आधार समान होते हैं तो घाते गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर एम प्लस एन। यदि आपको दिया है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस n। ठीक, तो उसी प्रकार से 10 की पावर 4 और 10 की पावर कितना है 15, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 प्लस 15 कितना हो गया 10 की पावर 19। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें कि इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके 19। इसके अंत में जो है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 19 होंगे। देखो एक चीज कई जगह मिस्टेक करते हैं आपके इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 × 10 × 10 तीन बार लिखा है और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है 10 + 10 + 10, तो कॉमन जो हमेशा होता है वो प्लस साइन के साथ दिया जाता है। इंटू में अपन कभी भी किसी संख्या को कॉमन नहीं लेते। जैसे यदि आप इसको इंटू करोगे तो इंटू क्या होगा आपका 1000 होगा, और यदि आप यदि कॉमन लेते हैं कि 10 कॉमन आ गया, 1 × 1 × 1 कितना होगा 1, और 1 × 10 क्या हो गया 10। ये चीज क्या है आपकी गलत। कॉमन हमेशा किस चीज में लिया जाता है, जब प्लस साइन बीच में दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 + 10 + 10 तो 10 कॉमन निकाल देंगे तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया 10 × 3, 10 × 3 का मतलब क्या होगा 30। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 10 + 10 + 10, नंबर ऑफ जीरोस क्या है 10, और 10 × 10 × 10 इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 3। इसमें जो है यदि अंत में अपन बात करें कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 3 जीरो होंगी। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से, अभी अपन ने देखा था 100 × 100 की पावर 2 × 1000 की पावर 3 के लास्ट में कितनी जीरो थी। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है 100 + 1000 या 10,000 के अंत में कितनी जीरो प्राप्त होगी, 100 + 10,000 के अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। फिर से वही चीज पर आते हैं, अपन रिपीट करते हैं उसी चीज को। सिंपल आपको ऐड करना है 1 0 0 0 0 और ये कितना है 1 0 0। यदि आप ऐड करोगे तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितनी होंगी 2। नंबर ऑफ जीरोस के लिए अपन बात करें तो लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 2 जीरो प्राप्त होंगे। या फिर इसको आप और क्या कर सकते हैं कि यहां से 100 को मतलब क्या होगा 10 की पावर 2, प्लस में दिया है 10,000 का मतलब क्या होगा 10 की पावर 4। ठीक, यहां से चाहो तो आप 10 की पावर 2 जो है प्लस साइन दिया है तो कॉमन निकाल सकते हैं, 10 × 2 कॉमन। अब शेष यदि यहां पर देखें तो ये 1 प्लस ये कितना हो गया 10 × 2। अब देखें ये तो यहां से तो जीरो प्राप्त होगा नहीं, तो जीरो नंबर ऑफ जीरो कितनी रह गए आपकी लास्ट में 2। तो इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन के अंत में 100 + 10,000 के अंत में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी 2 जीरो होंगी। और क्वेश्चन देखते हैं अपन जिस पर जो कई टाइप के जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन को आप इजीली किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 10 × 20 × 30 × 40 इस प्रकार से कोई संख्या दी है और पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है कि 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × 60 × 70 और इस प्रकार से आपको दिया है 1000 किसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो क्या दिया है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 सभी संख्याएं जो है इंटू के रूप में लिखी हैं, कहां तक लिखी गई हैं और 1000 तक लिखी, किन संख्याओं के अंत में जीरो कितने होंगे। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो 10 को आप क्या लिख सकते हो 10 × 1, 20 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 × 2, 30 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 × 3, इसी प्रकार से 40 क्या होगा 10 × 4,
और लास्ट यदि अपन 1000 की बात करें तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 100। तो यहाँ पर काउंटिंग यदि अपन देखें तो काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से स्टार्ट होते हुए कहां तक जा रहे हैं अपन, 100 तक जा रहे हैं। काउंटिंग तो है 1 से स्टार्ट होते हुए कहां तक जा रहे हैं, 100। हर एक संख्या जो है वो 10 का मल्टीपल है, मतलब 10 कितनी बार आया होगा, 100 बार आया होगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 100, और साथ में इंटू में क्या दिया है, 1 × 2 × 3 × 4, और ये इस प्रकार से कहां तक दिया है, 100। इस प्रकार से आपको ये कहां तक दिया है, 100 तक। तो फिर से यदि यहां पर एक चीज क्लियर होती है, 10 की पावर 100 दिया है, मतलब 100 जीरो तो ये हो गई। 10 की पावर कितना दिया है, 100 दिया है, तो 100 जीरो यहां से हो जाएगी। और यहां पर क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 कहां तक दिया है, 100 तक। और इसमें यदि अपन बात करें कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, फैक्टोरियल 100। ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 100 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 100 के अंत में आपको पता है कि जीरो किस प्रकार से निकालनी है, कि 100 डिवाइड बाय कितना, 5, फिर 100 डिवाइड बाय कितना होगा, 25, फिर 100 डिवाइड बाय कितना आएगा, 125। कि 125 से कैंसिल होना नहीं है, तो कहां तक रखना है आपको, 25 तक। जब तक भागफल प्राप्त हो रहा है तब तक अपन इस वैल्यू को रखेंगे। 5 से यदि मैं काट दूं तो कितना हो गया, 20। 25 से कितनी बार, 4। तो फैक्टोरियल 100 के अंत में जीरो कितनी होगी, 24, और 100 जीरो ही। तो 24 और 100 कितना आ गया आपका, 124। तो जैसा कि अपन क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन आपको दिया था 10 × 20 × 30, ये कहां तक दिया है, 1000 तक की संख्याओं को गुणा करने पर, अंत में जीरोस पूछे हैं, तो इस सभी को अपन ने इस प्रकार से तोड़ दिया, 100 की पावर 100 आ गया, 100 बार दिया है, सर 10 की पावर 100 आ गया, 10 जो है 100 बार दिया है, ठीक। फिर 1, 2, 3, 1 से लेकर कहां तक, 100 तक की संख्याएं दी, 1 से लेकर 100 तक, मतलब फैक्टोरियल 100। इस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोस निकाल दिए अपन ने, तो 10, 20, 30, 1000 तक की संख्याओं को बड़ा करने पर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने प्राप्त हुए हैं आपको, 124। ठीक, तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है और पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उसमें, तो आप किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 4 की पावर 4, और इस प्रकार से आपको आगे दिया है 25 की पावर 25, के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर अपन बात करें तो हर दूसरी टर्म में जो है 2 का मल्टीपल, ठीक, और नंबर ऑफ जीरोस अपन ने देखा है कि नंबर ऑफ जीरोस किस किस से मिलकर बनते हैं, 2 और 5 से। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ जो है जीरोस आपको प्राप्त होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पर बात करें तो 2 और 5 को आपको काउंट करना होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 आपको दिख रहा है कि हर एक नंबर के बाद इवन नंबर है, लेकिन 5 के मल्टीपल की बात करें तो 5 से स्टार्ट होगा, फिर 10 में आएगा, फिर किस में आएगा, 25 के रूप में, इस प्रकार से जो है आपको प्राप्त होगा। एक चीज और कॉमन यदि अपन यहाँ पर देखें कि जो भी अंक दिया है उसकी पावर उतनी है, जो भी आपको अंक दिया है उसकी पावर भी क्या है उतनी, जैसे 2 दिया है 2 की पावर 2, 3 दिया है 3 की पावर 3, तो उसी प्रकार से 5 के मल्टीपल्स की यदि अपन बात करें तो क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, और क्या होगा आपका, 25 होगा। 5 की पावर कितना होगा, 5, 10 की पावर कितना होगा, 10, 15 की पावर कितना होगा, 15, 20 भी होगा सॉरी इसमें, 20 की पावर कितना होगा, 20, और 25 की पावर कितना होगा, 25। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन 5 की बात करें कि 5 कितनी बार है, 5 बार। 10 को आप क्या बोल सकते हो, 2 × 5, मतलब 5 कितनी बार हो गए यहाँ, 10 बार। इसी प्रकार 15 की बात करें, 3 × 5, 5 कितनी बार है, 3 × 15 बार, टोटल पावर 15 है, मतलब 5 कितनी बार है, 15 बार। 20 का मतलब क्या हुआ, 4 × 5, तो फिर से यहाँ पर यदि अपन 5 की पावर की बात करें तो 20, मतलब 5 कितनी बार होगा, 20 बार। और क्या दिया है, 25 की पावर 25, 25 मतलब हुआ 5 की पावर 2, या 5 × 5 की पावर 25, तो 25 + 25, ये क्या आ गया, अपने 5 देख लिया कि इस पूरे टर्म में 5 कितनी बार आया होगा। तो यहाँ पर 5 के लिए अपन बात करें तो 15 15 30 30 20 50, और 50 कितना हो गया, 100। तो इस प्रकार से यदि बात की जाए
एक की पावर एक, दो की पावर दो, तीन की पावर तीन, चार की पावर चार, कहाँ तक किया है? 25 की पावर 25 तक। के अंत में नंबर ऑफ जीरोस की यदि अपन बात करें तो इसे एक्सप्रेशन के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी आपकी? 100। सिंपल आपको क्या करना है, पांच और दो के फैक्टर निकाल, पांच और दो के पेयर निकालने हैं, जितने भी पेयर होंगे उतनी जीरोस। तो यहाँ पर निकालने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि हर दूसरा नंबर जो है एक सम संख्या है, और सम संख्या के साथ जो दो है हर बार प्राप्त हो रहा होगा, ठीक। इसलिए दो निकालने की तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और एक और क्वेश्चन से अपन इसको देखेंगे। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया था, सभी की पावर जो भी अंक था उस पर पावर भी जो है वही थी। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक की पावर दो इंटू दो की पावर तीन, तीन की पावर चार, चार की पावर पांच, और इस प्रकार से 26 की पावर 27। पूछा है कि इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए फिर से अपन बात करें कि आपको काउंट क्या करना है, पांच काउंट करना है, कि पांच जितनी भी बार दिया होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि पांच के मल्टीपल, अब पावर देख रहे हो आप, जो भी अंक दिया है उससे एक ज्यादा पावर दी है, जो भी अंक है उससे क्या है एक पावर ज्यादा है, मतलब पांच होगा तो पांच की पावर क्या होगा 6, ठीक। 10 होगा तो 10 की पावर क्या होगा 11, 15 होगा तो 15 की पावर क्या होगा 16, और जो है 20 होगा तो 20 की पावर क्या होगा 21, और 25 होगा तो 25 की पावर क्या हो जाएगा आपका 26। तो इस प्रकार से यदि अपन यहाँ पर पांच की बात करें कि पांच जो है आपको कितनी बार प्राप्त हुआ होगा, तो फिर से पांच की पावर 6, मतलब पांच कितनी बार आएगा 6 बार। यहाँ 5 इंटू 2 पावर कितना है 11, कितनी बार आएगा 11 बार। ये 3 इंटू 5 के रूप में तोड़ेंगे, पावर कितना है 16, कितनी बार आएगा 5, 16 बार, ठीक। ये कितना होगा 4 इंटू 5 की पावर 21, 5 कितनी बार आएगा आपका 21 बार। ये 5 इंटू 5 की पावर कितना हो गया 26, कितनी बार आएगा आपका 26 इंटू 2, 26 या 26 प्लस 26। तो टोटल अपन इस प्रकार से बात करें कि 5 कितनी बार आ गया, तो 16 और सॉरी 6 और 11 कितना हो गया आपका 17, 17 प्लस 16, 17 और 16, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 7, 6, 13, 13 और 1 33, 33 प्लस 21, ठीक, कितना हो गया 4 और 54, और 54 26 और 26 कितना हो गया 52। तो इस प्रकार से टोटल बात करें तो टोटल कितना हो गया 106। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 106। इस प्रकार से यदि अपन बात करें इसके अंत में टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे आपके 106, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे अपन इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एक की पावर 5 इंटू दो की पावर 10, तीन की पावर 15, चार की पावर 20, पांच की पावर 25, और इस प्रकार से आपको दिया है 10 की पावर, पांच की पावर कितना दिया है 25, 10 की पावर 50। पूछा है अंत में कितने जीरो प्राप्त हुए। क्वेश्चन आपको दिया है एक की पावर 5 इंटू दो की पावर 10, तीन की पावर 15, पांच की पावर सॉरी चार की पावर 20, पांच की पावर 25, और 10 की पावर कितना दिया है 50, के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो फिर से वही चीज अपन यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या निकालना है, पांच और दो के मल्टीपल, पांच और दो के फैक्टर या पेयर देखने हैं आपको कि कितने पांच और दो के पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरो जो है आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो दो फिर से अपन बात करें हर संख्या के साथ है, आपको केवल क्या गिनना है पांच गिनना है। तो पांच के मल्टीपल्स के लिए अपन बात करें कि पांच का मल्टीपल एक तो क्या होगा 5, जिस पर पावर कितना है 25, और दूसरा क्या होगा आपका 10, जिस पर पावर कितना दिया है 50। पूछा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, ठीक है। तो 5 की पावर 25, मतलब 5 कितनी बार दिया होगा 25 बार। यहाँ 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, और पूरे की पावर कितना है 50, तो 5 कितनी बार है 50 बार।
और इस प्रकार से यदि अपन टोटल देखें तो टोटल 5 कितनी बार दिया है, 75 बार। दो हर संख्या के साथ है, इसलिए 75 से ज्यादा बार दिया होगा वो जितनी बार कॉमन होंगे उतने पेयर अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 और 2 के कितने पेयर बन सकते हैं, 75 पेयर, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी होंगी, 75, 75। एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 75 जीरोस होंगी। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन अपन लास्ट क्वेश्चन इस पर देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस पर। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और इस प्रकार से आपको दिया है फैक्टोरियल 25 तक। पूछा है इसके अंत में कितने जीरोस प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जीरो की यदि अपन बात करें तो जीरो कहाँ से स्टार्ट होती है, 5 से स्टार्ट होती है, मतलब मिनिमम 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और 5 के लिए फैक्टोरियल कहाँ से स्टार्ट होगा, कम से कम 5 से। जैसे फैक्टोरियल 1 की बात करें 1 ही है, फैक्टोरियल अपन 2 की बात करें 2 × 1, फैक्टोरियल 3 3 2 और 1, फैक्टोरियल 4 में 4। 5 कहाँ से आना स्टार्ट होता है, फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होता है। फैक्टोरियल 5 से, जैसे फैक्टोरियल 6 दिया है उसमें एक बार 5 आएगा, 7 दिया है उसमें भी एक बार 5 होगा, 8 दिया है उसमें भी एक बार 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले एक सिंपल सा फटा समझते हैं कि इसमें आप किस प्रकार से जो है नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 6 के लास्ट में कितनी जीरो होंगी, तो फैक्टोरियल 5 की बात करें एक बार 5 आया मतलब इसमें कितनी जीरो होगी, 1। और फैक्टोरियल 6 में कितनी बार, एक बार 5 आएगा तो 1 जीरो इसमें होगी। 1 जीरो का मतलब क्या हुआ कि 10 का मल्टीपल 1 इसमें आ रहा है और 10 का मल्टीपल 1 इसमें आ रहा है। 10 × 10 क्या बनेगा आपका, 100। या दोनों की बात करें तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 2। 10 की पावर 1 और यहाँ भी 10 की पावर 1 गुणा में खाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी प्राप्त होंगी, 2। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर अपन बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए 10 आता है, फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा, 10 8 10 9 8 7 5, इस प्रकार से कहाँ तक, 1 तक आएगा। तो इसमें जो है 5 देखें, 5 कितनी बार होगा, 2 बार। तो 10 से लेकर 14 तक जो है 2 बार, फिर 15 से बात करें 3 बार आना स्टार्ट होगा, फिर 20 से अपन बात करें 4 बार आना स्टार्ट होगा। तो मिनिमम यदि पहली बार अपन बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, 7 8 और कहाँ तक, 9 तक। इसके बाद जो है 5 कितनी बार आएगा, 2 बार। कहाँ से, फैक्टोरियल 10 11 12 13 और 14 तक। फिर से अपन इसके नीचे बात करें फैक्टोरियल 15 16 17 18 और फैक्टोरियल 19 तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 25 तक, फैक्टोरियल 20 21 22 23 और 24 तक, और इसके बाद क्या आएगा आपका, फैक्टोरियल 25। तो जैसा कि अपन देख रहे थे कि हाँ सभी में 5 एक एक बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 1 होंगे सभी में। गुणा दिया है तो गुणा नहीं करना, ठीक है, इनटू के लिए अभी अपन ने देखा है 1 0 इसमें 1 0 इसमें, टोटल कितना हो गया, 2। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 5, तो इन सभी के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 5। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 2 बार आना स्टार्ट हो गया, तो 2 2 2 और 2, तो कितना हो गया, 2 2 2 2 2 सभी में, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 10। 15 से हुई चीज अपन बात करें तो 5 कितनी बार आना स्टार्ट होगा, 3 बार आना स्टार्ट हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 3 3 3 3 3 सभी में होगा, टोटल कितना हो गया ये आपका, 15। उसी प्रकार से 20 में कितनी बार, 4 4 4 4 4, कितना हो गया, 5 बार आ रहा है, 20। 25 की फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25 में कितनी बार 5 आएगा। जैसे 25 तक अपन बात करें कि 25 क्या है, 5 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ 5 कितनी बार होगा, 2 बार। और 20 तक अपन निकाल चुके हैं, 20 तक कितनी बार आया था, 4। तो 4 और 2 टोटल कितनी बार हो गया, 6। केवल 25 अकेला दिया था तो 6 बार 5 इसमें आएगा। तो इस प्रकार यदि अपन 5 की बात करें तो टोटल 5 कितनी बार दिया है, 15 15 सॉरी 15 और 15 30 30 20 50 और 6 56। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 कहाँ तक, फैक्टोरियल 25 तक दिया था, इसमें 5 की यदि अपन बात करें तो 5 कितनी बार आया है आपका, 56 बार।
मतलब नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी होंगी, 56, 56। क्लियर होगा? ये जो है आपका किसी भी फैक्टोरियल के अंत में किसी संख्याओं को गुणा करने पर उनके अंत में नंबर ऑफ जीरोस निकालना होगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।